डिप्टी कमिश्नर जनाब शायद वेलफेयर डिपार्टमेंट की डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स है, पेंशन हमें मिलते हैं। एक पेंशन डिसेबिलिटी पेंशन है, दूसरा है ओल्ड एज पेंशन, थर्ड इज योर विडो पेंशन एंड फोर्थ इज ट्रांसजेंडर पेंशन। ये चार कैटेगरीज है। 1000 रुपये उसमें मिलता है सबको जो भी इसके लिए अप्लाई करता है। यूनिट्स का अलॉटमेंट तो हो गया सर, और 350 यूनिट्स का अलॉटमेंट हो जाएगा, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ की टैकल हो जाएगी, दूर हो जाएगी सर। यहाँ पे सोनमर्ग साइड से बहुत सारे होटल्स को रजिस्टर किया मैम, उनके इंसेंटिव्स वगैरह जो के जेके एनआईएस स्कीम के थ्रू आते हैं, तो वो बहुत सारे दिए हैं उन लोगों को। नाम लेता है तो डीसी साहब का नाम लेता है। शायद आपकी इतनी डिलीवरी अच्छी है कि लोगों को ज्यादा एक्सपेक्टेशन आपसे है। करोड़ों रुपया म्युनिसिपल डेवलपमेंट अथॉरिटी के पास पड़े हैं, 2-3 बार पैसे रिलीज भी हो गए लेकिन मुतलका हुकाम ने डिसबर्स नहीं किए। क्या इश्यूज थे उनके, क्या नहीं थे, ये वो जानते हैं, लेकिन सफर हम हो रहे हैं। रही है सर, एक पीएचई लाइन जो है वो मैं पिछली दफा भी मैंने ये पॉइंट रेज किया था, तो पीएचई लाइन मेन मार्केट से ये 3 मोहल्ले हैं, हजा मोहल्ला, बरकाती मोहल्ला और कुमार मोहल्ला, वो दी जाए। इसमें कुछ बातें मैं आपके ध्यान में लाना चाहूंगा जो हमने उनके ब्लॉक दिवस के हिसाब से की है। पिछले जितने भी आपने कुछ समस्याएं बताई थी उसका हमने एक्शन टेकन रिपोर्ट कि हमने क्या क्या किया है, उस पर क्या क्या कार्रवाई चल रही है। हो सकता है कुछ ऐसा होगा जिसमें कि अभी तक कंप्लीट नहीं होगा, उसमें हमने लिखा होगा कि तहसीलदार जो है डिमार्केशन की उसने डेट दे दी है, ठीक है, तो वो आपको पता चल जाएगा कि आपकी उस काम की प्रोग्रेस क्या है, वो हमने बाहर लगाया। अगर किसी को उसमें भी कोई दिक्कत है, उसमें भी लगता है कि नहीं साहब इसमें हमारा ये वाले काम में आपने गलत लिखा है, ऐसा नहीं है, सच्चाई ये है, तो उसके लिए भी अगर कहीं पे किसी को लगता है तो हमारे वीडियो साहिबान हैं, उनको बता सकते हैं, तो वो हमारे तक सूचना आ जाएगी। इसके अलावा आप लोगों ने जो एक बड़ा मसला प्लेग्राउंड का उठाया था, वो पहले और वीडियो साहिबान ने जगह आइडेंटिफाई कर ली है, प्लेग्राउंड जल्द ही आप लोगों को प्लेग्राउंड बना के दिया जाएगा। पानी के कुछ मसले जो हैं वो हमारे जिले में कुछ समस्याएं हुई थी पीएचई को लेके, जिसमें कि हम लोग 100% सर्टिफाई हो गए थे, फिर उसके बाद में पता चला कि कुछ जगह ऐसे हैं जहां पर अभी नल कनेक्शन नहीं है, कहीं पे हमारी ग्रोथ होगी एबिटेशन की, आइडेंटिफाई कर लिया है कहां कहां पे हमको इंटरवेंशन करना है और उसके लिए रिक्वायर्ड फंडिंग की व्यवस्था करके हम लोग उन मसलों को भी जल्दी से सॉल्व करेंगे।